लगता है नामुमकिन मगर करते हैं, लगता है नामुमकिन मगर करते हैं, घर साथ लेकर हम सफर करते हैं। उत्तराखंडना देहरादूनना पांडे दंपतीए पोताना ड्रीम होम एटले के सपनाना महल तरीके होम ऑन व्हील्स अर्थात हरतू फरतू घर वसाव्यू छे। दीपक पांडे अने तेमना पत्नी रुचि पांडे मिनी बस जेवी वेन मा मॉडिफिकेशन करी तेने किचन, बेडरूम, डाइनिंग एरिया, टॉयलेट, एसी, फ्रीज सहितनी सुविधाओथी सज्ज बनावी छे। अनुकूलता मुजब पांडे दंपती पोताना आ हरता फरता घरने लई भ्रमण करवा निकली पड़े छे। जामनगरना यूट्यूबर तथा सोलो ट्रावेलर फ्रीडा डिसोजाए पांडे दंपतीने अतिथि थवानुं आमंत्रण पाठवता तेओ जामनगर आवी पहोंच्या हता। आ तके गोवा शिपयार्डना डिरेक्टर हसमुखभाई हिंडोचा, कोर्पोरेटर डिम्पलबेन रावल तथा गोपालभाई सुरोठिया, भारत तिब्बत संघना आगेवान आशाबेन कटारमल, जाणीता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जगतभाई रावल तथा एंकर दिशिताबेन पंड्या वगैरे द्वारा पांडे दंपतीनुं स्वागत अभिवादन करवामां आव्युं हतुं। फैन भी है। ओके। या इसको दबाएंगे तो चिमनी। हाँ। और इसको करेंगे तो फैन। ओके। तो ये भी चिमनी बनी है। एक हमने यहाँ पे भी ये ऐसे बैठ। हाँ। ओके। एक जो उसके लिए। हाँ। ये। बहुत बुना है और हम। हाँ जी। और ये इसको। ये ऐसे। बहुत। और अगर पूरा कवर्ड चाहिए। हाँ तो पूरा कवर्ड। ऐसे पूरा कवर्ड भी हो जाएगा। ओके। बहुत बढ़िया। बाकी अब ये हमारे मसाले हैं सारे। अब ये बेड, तो ये जो आपको बेड दिख रहा है ऐसे, तो इसमें हम इसका जो एक, वैसे तो ये सोफा बन गया, इसके नीचे पूरी स्टोरेज है। यहाँ हमने अपने कपड़े रखे हैं, यहाँ हमने राशन रखा है। और इस बीच वाले पीस पे ये देख रहे हैं आप, ये आके यहाँ फिट हो जाता है इसके ऊपर। ओके। तो डबल बेड हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। उसके बाद जो ये बेड है, एक्चुएटर्स लगाए हैं हमने, इससे आप इस बेड को, अरे बहुत बढ़िया, हाइड्रोलिक पूरा। हाँ, तो हाँ, दो बच्चे ऊपर, हम लोग नीचे। हाँ, तो ये बेड यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब जितना हाँ, इसका हाँ, वो हाँ, है हाँ, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। ओके। ये हमारे छोटा मोटा सामान, किचन के कंट्री रखते हैं। इसमें हमारे टॉयलेट के नीचे वाले में टॉयलेट के रिलेटेड सब सामान है। हाँ, हाँ, बाकी क्यों करना है, हमने सामने सब ओपन कर रखा है। ये इतना कॉस्ट हमें पड़ा है 18 लाख। तो ये नई गाड़ी है। उसके बाद हमने अपनी तरफ से हमने 14-15 लाख का 30-32 लगाया है, 32 लाख तक आया है। लेकिन डिपेंड करता है आप, जैसे हमने एसी लगाया, ये सब ने बाहर से लगाया, ये हो गया, ये वेंट हो गया, ये चिप, ये वेंट हो गया, ये सब यूएस से आए, और यूएस से आने में ही शिपिंग ज़्यादा लगी। ठीक है, तो ये अगर नहीं लगाओ तो अराउंड 25 तक समझ लीजिए। तो ये है, तो ये टॉयलेट भी हमने बाहर से मंगवाया है ये वाला। तो इससे कॉस्ट बढ़ क्या है और ये किसके लिए निकली? एक्चुअली ट्रैवल तो हम बहुत टाइम से करते थे, जब पहले भी थे तो छोटी छोटी कार से स्टार्ट किया, फिर फैमिली बड़ी तो फिर थोड़ी बड़ी कार, उसके बाद दो बच्चे और 3 हमारे पेट्स डॉग भी हैं, तो उनके साथ फिर हमने सोचा कि कैरवन बनाते हैं। और तब पहला सफ़र वाला हमने इन लॉज के साथ और बच्चों के साथ लेह लद्दाख घूम के आए। मेनली था कल्चरल एक्टिविटीज़ जो सब पूरी इंडिया की है, उसको देखना कि क्या है, मतलब इंडिया को पास से देखना। और सेम ऐसे करते इस बार हमने गुजरात सफरनामा स्टार्ट किया। अभी कितने दिन हुए आप निकले वहाँ? अभी इनको 6 दिन हुए। क्या क्या देखा? पहले दिन हम जोधपुर से निकले अहमदाबाद, तो अहमदाबाद हमने देखा है घूमा 2 दिन। उसके बाद हम लोग निकले भुज, भुज में हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया क्योंकि हमको रन ऑफ कच्छ जाना था, तो वहाँ गए, वहाँ हम ये काला डूंगर, उसके बाद रन, और आज कल हम गए थे धोलावीरा देख के। रात को हमने वही कैंप किया, उसके बाद आज हम निकल के आ रहे हैं वहाँ से। अभी आप जामनगर पहुंचे, यहाँ पे आपका कुछ स्वागत भी किया गया, क्या फील करें आप? हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो इसको सोच के लग रहा है कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी के बन गए हैं, मतलब इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग वेलकम फ्रॉम स्पेशली फ्रीडा ने इतना अरेंज करवाया, तो मतलब अभी भी मतलब वो बहुत गूस बम्स हो रहे हैं हमारे सोच के ही है। खास करके इस तरह से आप टूर पे निकले, तो क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को कि क्या सब कुछ देखना चाहिए, क्या इसका एम क्या? मेन मैसेज ये है,
एक ही लाइफ है, तो उसमें आप जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं घूमो, ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो, स्पेशली यंग जनरेशन, और बाहर निकल के हमारी कंट्री को, उसके बाद हमारी कंट्री में घूम के आ जाओ, उसके बाद देन फिर बाहर के वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करो। छोटी अगर बड़ी चीज़ में नहीं आती तो सोचो कि मतलब साइकिल से भी लोग निकल रहे हैं, तो आप छोटी चीज़ें शुरुआत करो लेकिन निकलो बाहर। मतलब ये काम ज़िंदगी भर होता रहेगा, लेकिन अपने आप अपने लिए भी टाइम निकालो, जो आपका ड्रीम है उसको चेज करो, मेन हमारा यही है। थैंक यू।